नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने की सबसे पहले हमें चाहिए पके हुए टमाटर। यहां मैं 8 टमाटर ले रहा हूं। टमाटर लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको एप्पल टमाटो ही लेने हैं, एप्पल टमाटो यानी कि हाइब्रिड टमाटोज, ना कि वो जो कंट्री में टमाटोज होते हैं जो बहुत ही खट्टा होता है, वो हमें नहीं लेने हैं। फिर हम टमाटर को अच्छी तरह धो लेंगे और फिर इसे हमें बीच से काट लेना है। फिर हम इसका जो हार्ड हिस्सा होता है स्टेम पार्ट, वो हम निकाल लेंगे। इस तरह हम सभी टमाटर को काट करके इसका जो हार्ड पार्ट उसको हमने निकाल लिया है। फिर हम इसे पकाएंगे पैन में। हम एक यहाँ एक सॉस पैन ले रहे हैं, तो डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर। तो मैं यहाँ होममेड मक्खन यूज़ कर रहा हूँ। इन सारे टमाटर को एक साइड पका लेंगे पहले। पाँच मिनट तक पका लेंगे इसे हम एक साइड तक। फिर हम इसे पलट करके दूसरा साइड भी पका लेंगे। ये पकाते वक्त आप बड़ा पैन यूज कीजिएगा ताकि टमाटर पूरा फिट हो जाए। जब दूसरा साइड भी अच्छी तरह पक जाए तो हम इसका हम स्किन निकाल लेंगे। स्किन निकालने से इसकी जो प्योरी होती है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। स्किन निकालने के बाद इसे हम एक वुडन स्पैटुला की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। इससे ये जल्दी ठंडा हो जाता है और इसे हम जल्दी ही पी सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम एक ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे और जिस बर्तन में हमने टमाटर को पकाया था उसमें हम थोड़ा पानी डाल के वो पानी भी ऐड कर देंगे। तो आपका जितना मक्खन है और टमाटर जो उस पैन में चिपक गया था वो सब हम यूज़ कर लेंगे। फिर से हम उसी पैन में 1 टेबलस्पून ओलिव ऑयल डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। हम 2 मिनट तक धीमी आंच में सॉटे कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ड्राई ओरिगैनो, ड्राई बेसिल लीव्स, अगर आपके पास फ्रेश लीव्स है बेसिल लीव्स तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे पास्ता मिक्स और ये सबको हम धीमी आंच में थोड़ी देर और सॉटे करेंगे। ऐसा करने से इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह रेसिपी में इन्फ्यूज हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरे। क्योंकि हमने इसे पहले ही पका लिया टमाटर को तो फिर हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हम थोड़ा उबाला आने तक छोड़ देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून शुगर। दोस्तों शुगर डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शुगर इस सॉस को खट्टा मीठा फ्लेवर देता है। रंग देने के लिए हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। तो बस दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पिज़्ज़ा सॉस की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।